मॉलिक्यूल है और इसको हम लोग CO2 लेज़र से हटाएंगे। ये बहुत दिनों से होगा, बचपन से ही होगा। हाँ बचपन से क्यों नहीं हटा रहे थे इसको? स्कार का डर था। स्कार आ जाएगा, निशान आ जाएगा। लेज़र से मोल हटाने में निशान नहीं के बराबर आता है, इतना कम जो नोटिसेबल नहीं होगा। तो हम लोग जस्ट कर रहे हैं, एक बार फॉलोअप सेशन 1 महीने के बाद करते हैं, देखते हैं अगर ज़रूरत होती है तो। लेकिन छोटे मोल्स में करने की ज़रूरत नहीं होती है, तो जस्ट हम लोग अभी कर रहे हैं फर्स्ट सेशन ऑफ CO2 लेज़र मोल रिमूवल। आपके राइट चिक पे 2 मोल था जिसके CO2 लेज़र मोल रिमूवल सर्जरी अभी से लगभग 3 महीने पहले की गई थी। yes, और जैसा कि हर पेशेंट को बताते हैं कि सेकंड सेशन के लिए आना चाहिए, कि मोल में अगर बड़े साइज के मोल में रिकरेंस होता है तो फिर से उस पर लेज़र करेंगे। लेकिन अभी तक तो नहीं लग रहा है कोई रिकरेंस। थोड़ा सा पिगमेंटेशन है, डीमेलनाइजिंग एजेंट, कुछ हाइड्रोक्विनोन कंटेनिंग और स्टेरॉयड कंटेनिंग माइल्ड क्रीम देंगे, जिसको आप 10 to 15 days लगाएंगे तो ये पिगमेंटेशन खत्म हो जाएगा। विथ टाइम ऐसे भी खत्म हो जाता है, पहले से कम हुआ होगा। हाँ, कम हुआ पहले से। और थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन रखेंगे कि 2 महीने में अगर थोड़ा सा पिगमेंटेशन होता है, जो कि चांस अब एकदम नहीं है, मतलब फिर से रिकरेंस वाला जो ब्लैक पिगमेंटेशन अगर आता है तो सेकंड सेशन कर सकते हैं। ज्यादातर बड़े साइज के मोल में करना होता है, अदरवाइज छोटे मोल में तो एकदम ही नहीं। और ये बेस्ट मेथड है मोल रिमूवल का, जिसमें कि कोई मार्क्स और कुछ भी नहीं आता है। कई लोग चूना सोडा लगा के बड़ा सा निशान करके मेरे पास आते हैं और फिर स्कार के लिए ट्रीटमेंट होती है। तो चलिए, आपको अच्छा लगा? हाँ, ठीक लग रहा है? सैटिस्फाइड। चलिए गुड।